दिन में कितनी वायग्रा लेनी चाहिए? वायग्रा को यूजली डॉक्टर बहुत इजीली रेकमेंड नहीं करते, लेकिन ये केमिस्ट स्टोर से या लोकल फार्मेसी से बहुत आसानी से मिल जाती है। मेल वायग्रा बहुत कॉमनली लोग यूज़ करते हैं जिनको सेक्सुअल लाइफ में इश्यूज आते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि ये किस लिए यूज़ होता है, बट स्टिल दे ट्राई आउट वायग्रा। कई लोग एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कई लोग अपनी प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और कितनी रिकमेंडेड डोज है और कितनी देर पहले लेनी चाहिए, क्या हम मेरे को साइड इफ़ेक्ट्स से पहले जानना है और क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, सबके बारे में बात करूंगी। अगर आप भी वायग्रा कभी यूज कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, आपके मन में जितने भी सवाल है वायग्रा से रिलेटेड, मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम अपनी वीडियोज और क्वेश्चन में उसको कवर करें। तो चलिए हम बात कर रहे थे वायग्रा का काम क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे कि वायग्रा आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है। जैसे ही आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो आपके शरीर में जो प्रेशर है, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है, वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए कई लोग जो जिनको बीपी रहता है या बहुत फ्रीक्वेंटली हार्ट इशूज रहते हैं, उनको हम वायग्रा लेने से रोकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता आप किस डोज में ले रहे हो और वो बाद में दिक्कत देता है। वायग्रा सिर्फ एक मेडिकेशन नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं। वो मल्टीपल सॉल्ट्स के अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हम सिल्डेनाफिल की बात करते हैं, वेनाफिल की बात करते हैं, डलालफिल की बात करते हैं, ये सब अलग 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 डोसेज के फॉर्म में मिलता है। ये स्टार्ट में भी वायग्रा से हुआ था और फिर धीरे धीरे इसके मॉडिफाइड डोसेज मार्केट में मिलने लग गए, लेकिन आप किसी से रेकमेंड नहीं करते हो, सीधा केमिस्ट से जाके ले लेते हो, वो आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानता है, इसकी वजह से काफी लोग इसके साइड इफेक्ट से गुजरते हैं। तो बेटर ये समझना कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और जैसे ही बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपको तेजी आएगी, आपको गर्म लगेगा और आपका जो पेनिस है वहां इरेक्शन बढ़ेगा तो आप काफी देर तक परफॉर्म कर पाते हैं। वायग्रा के सबसे अच्छे बेनिफिट्स में ये है कि आपको तनाव बेहतर रहेगा, तनाव काफी देर तक रहेगा और आप मल्टीपल राउंड्स परफॉर्म कर सकते हैं, एक से दो बार तीन बार डेफिनेटली कर सकते हैं। इसलिए कई लोग जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं या शादी के बाद भी कोई स्पेशल डेट प्लान करते हैं या शादी से बाहर भी जब सेक्स परफॉर्म करते हैं तो वायग्रा को कंज्यूम करना चाहते हैं ताकि वो अपनी मैनली पावर को दिखा सके। प्लस ये बात समझनी जरूरी है कि वायग्रा प्लेजर नहीं है। अगर आप इसे प्लेजर के लिए या उसके लिए यूज कर रहे हो तो आगे दिक्कत देने वाला है। ये प्रॉब्लम से निवारण के लिए कि किसी को प्रॉब्लम हो और फिर भी वो करना चाहता है तो इसे यूज कर सकता है, लेकिन इसकी डोज को जानना, अपनी मेडिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड सही डॉक्टर से अपनी वायग्रा को लिखवा के रेकमेंड करके यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलेंगे मैम हम कैसे पहचाने कि हमें इसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? यूजली जब आप वायग्रा यूज करते हो तो कई लोगों को पता नहीं होता इसको कब कब यूज करना चाहिए। तो पहले इसको आंसर करते हैं कि वायग्रा को कब यूज करना चाहिए। यूजली आप चाहें तो मिनिमम 4 घंटा पहले, वैसे तो 1 से 2 घंटा पहले आप यूज कर रहे हैं तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, फिर भी आप 4 घंटा पहले से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रात को करना है तो सुबह से गोली खा लो, नो। और कई लोगों में ये 2 से 3 घंटे तक रिजल्ट देता है, कईयों में 2 दिन तक भी रिजल्ट दे सकता है। ऐसे में आपको बार बार इरेक्शन रहेगी, स्ट्रॉन्गर इरेक्शन रहेंगे, बार बार इजैकुलेट करने का मन कर सकता है या फिर सेक्स ज्यादा देर तक परफॉर्म करने का मन कर सकता है। इस चीज के अच्छे रिजल्ट ऐसे आते हैं, लेकिन टाइम का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। साथ साथ वो लोग सिर्फ 15 मिनट पहले या जो 20 मिनट पहले खा रहे हैं उनमें हो सकता है कि जब आप कर भी रहे हो तब भी रिजल्ट ना आए। लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैम वायग्रा जैसी इरेक्शन आए तब लेनी चाहिए या पहले भी ले सकते हैं? आप 1 घंटा पहले कैसे भी पहले ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी के साथ लेना ज्यादा बेटर है, इसको दूध या चाय के साथ ना लें तो बेटर ही रहेगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि डायबिटीज या हार्ट इश्यूज में या बीपी इश्यूज में वायग्रा को ले लेते हैं, तो ऐसे में रेकमेंडेड नहीं है। साथ साथ साइड इफेक्ट्स की बात करूं तो बुखार होना, सर में बहुत ज्यादा दर्द रहना, अगला दिन हो सकता है आपका पूरा खराब जाए, शरीर में अकड़न रहना, वॉमिटिंग आना, नॉजैटिक फीलिंग आना, या फिर ऐसा लगना कि कुछ कंफ्यूजन है, हेड बिल्कुल ही नंब हो गया है, सुन्न हो गया, ऐसे वाली
वाली फीलिंग आपको डेफिनेटली आ सकती है। दिल की धड़कन बढ़ना या गति महसूस होना, एंजाइटी होना, डेफिनेटली वायग्रा के साइड इफेक्ट्स में से आता है। अब हम बात करेंगे कि वायग्रा को कितना लेना चाहिए। रेकमेंडेड ये है कि आप वायग्रा को सिर्फ इमरजेंसी मिले, मैक्सिमम से मैक्सिमम महीने में एक बार। लेकिन अगर आप इसको हर बार जब सेक्स करने जा रहे हैं ले रहे हैं, हर 6-6 दिन में, हर 2-2 दिन में ले रहे हैं, तो ट्रस्ट मी धीरे धीरे ये काम नहीं करेगी और आपको शरीर को जो साइड इफेक्ट लगने वाले हैं ना वो बहुत ज्यादा है। साथ साथ ये दवाई अगर आपको प्रॉब्लम है भी तो आप रिपेयर की दवाई लेने से ज्यादा वायग्रा पर आ रहे हैं तो ये नुकसान करेगा। आप ठीक कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ टेम्परेरी ज्वाइंट लगा के परफॉर्म कर रहे हो तो धीरे धीरे वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देगा। अगर आपने उम्र से पहले वायग्रा ले रखी है या बहुत ज़्यादा वायग्रा पे डिपेंड हो गए हो कि इसके बिना काम नहीं होगा, आज ही अपने डॉक्टर से सलाह लें और धीरे धीरे इसकी जो ये एडिक्शन है या डिपेंडेंसी है इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। वायग्रा कभी भी रिपेयर नहीं करती, ये सिर्फ एक टेम्परेरी जिसे हम बोलते हैं जुगाड़ है इंडिया में बोल सकते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ नॉट एट ऑल ईजिली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। वो कोशिश करते हैं कि आपको इमरजेंसी में दें, अदरवाइज वो भी बहुत आसानी से इसे नहीं लिखते। इसलिए केमिस्ट से ऐसे जल्दी जल्दी से बाय करना प्लीज इसे बंद कर दीजिए। आई होप ये चैनल आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर पाया है। अगर और कोई वीडियो या कुछ और पूछना चाहते हैं वायग्रा से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।